Hi friends, subscribe to my YouTube channel Crafty Bees and also click on that bell button to get notified as soon as I post a new video. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देवी को कैसे साड़ी पहनाते हैं। पहले साड़ी का एक एंड से प्लेस करना शुरू कीजिए, जैसे आप साड़ी पहनने के वक्त करते हो। साड़ी का पल्लू के साइड से 1.5 मीटर छोड़ के पूरा साड़ी प्लेस करना है। प्लेस करने के वक्त आपको पूरा प्लेस पकड़ना मुश्किल हुआ तो सेफ्टी पिंस यूज करके आप लगा दीजिए, प्लेस को लगा दीजिए और फिर से प्लेस करना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा प्लेस करके सेफ्टी पिंस लगाते जाइए। एंड में सारे प्लेट्स मिला के सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ऐसा करने से आपको इजी भी हो जाएंगे और प्लेस भी मिसप्लेस नहीं होंगे। साड़ी का पल्लू के साइड से 1.5 मीटर छोड़ के पूरा साड़ी प्लेस करना है। At the end आपको approximately 15 to 16 प्लेट्स हो जाता है। वो सारे प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए पूरा साड़ी लेंथ को सेफ्टी पिन लगा दीजिए। बाद में साड़ी को हाफ फोल्ड कीजिए और पिन लगा दीजिए। आप अकेले नहीं कर सकते हो तो ज़रूर किसी का हेल्प लीजिए। अब तो मुश्किल पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पल्लू का प्लेस करना है, जैसे आप यूजुअली करते हो, और पूरा सेफ्टी पिंस यूज़ करके प्लेट्स को सिक्योर करना है। चिंता मत कीजिए कि हम इतना सारा पिंस यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम सारा पिंस निकाल देंगे। अब हमारा साड़ी रेडी है। अब साड़ी को बांधना है, जैसे कि हम पहले ही साड़ी को हाफ फोल्ड किया है, वहाँ हमको बांधना है।
पहले हमको बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है, क्योंकि हमको प्लेट्स को एडजस्ट भी करना है। बांधने के बाद सारा सेफ्टी पिंस निकाल के अच्छे से प्लेट्स को एडजस्ट करें। अच्छे से बांधने के बाद कोई एल्यूमिनियम का हैंगर या हाई गेज वायर यूज़ करके ऐसा बनाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको पीछे से कोकोनट को बांधना है, ये हमारा पूरा साड़ी को सपोर्ट देने में बहुत ही काम आएगा। बाद में जैसे मैंने पल्लू को लिया है वो अच्छे से देखे और फॉलो करें। ड्रेपिंग खत्म होने के बाद सारा पिंस निकाल दीजिए और अच्छे से प्लेस को एडजस्ट कीजिए और बांध लीजिए। मैं एक और बात बोलना भूल गई थी कि आने वाले दिन में बहुत सारा त्यौहार है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दीपावली भी है। तो मैंने बहुत सारा डेकोरेशन आइडियाज़ का वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्राफ्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आपको वो क्राफ्ट वीडियोस देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए, तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आएगा कभी भी मैं नया वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो क्या डू सब्सक्राइब राइट नाउ। देवी का हाथ या हस्त बनाने के लिए कोई स्क्वायर पीस का कपड़ा लीजिए, उसको ऐसा फोल्ड कीजिए। पूरा फोल्ड होने के बाद सेफ्टी पिन से सिक्योर कीजिए। बाद में 2 कप्स यूज़ करके दोनों एंड में बांध लीजिए और वो कप का टिप हमारा कंगन से भी बड़ा होना चाहिए, इससे हमारा कंगन बाहर नहीं आएगा। ये पूरा होने के बाद वायर का सपोर्ट से देवी को कंगन पहना दीजिए। बाद में देवी को ज्वेलरी और फूलों से अलंकार कीजिए। ये जैस्मिन फ्लावर का हार हमने पेपर से बनाया है, आपको ये वीडियो देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।